नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे नया रेसिपी आपको पहले मिल सके। आइए आज हम बनाएंगे पालक पकौड़ा। पालक पकौड़ा के लिए ये सब सामग्री चाहिए। पहले हमको चाहिए पालक। मैंने आधा किलो पालक इसको साफ करके धोकर रखा है। एक कटोरी बेसन, पांच हरा मिर्ची को छोटा पीस काट कर रखा है, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच जीरा, नमक। अब हम एक बर्तन में ये पालक डाल देंगे। और ये बेसन भी डाल देंगे, अजवाइन, जीरा, हरा मिर्ची। डेढ़ चम्मच नमक डाल दें, इसको अच्छा से मिक्स कर। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स कर दें। मैं और एक कटोरी बेसन डाले, टोटल मैंने दो कटोरी बेसन डाला है। इसको अच्छा से मिक्स कर दो। ये देखिए पेस्ट ऐसे होना चाहिए। ये तैयार हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने गैस पर एक कढ़ाई में तेल रख दिया, तेल गर्म हो चुका है। अब हम ये पकौड़ा तलेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ऐसे छोटा छोटा पकौड़ा बनाना है। फ्लेम हाई रखेंगे। चाहिए थोड़ा सा हो गया। अब हम पकौड़ा पलट दें। ये पकौड़ा फ्राई हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारा पकौड़ा बना लेंगे। हो चुका है, इसको हम निकाल देंगे। सब
सारा पकोड़ा मैंने तैयार कर लिया, आप इसको जरूर एक बार घर पर बनाइए, टमाटर केचप के साथ खाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।